Hello all, today in this video we will be talking about Windows tools and utilities. So हमारे जो computer हैं उसमें हमारे पास कुछ हमारे inbuilt applications आती हैं which add up a functionality, मतलब हमें कहीं ना कहीं वो help करती है हमारे system में. So these are applications which process certain functionalities and can be used for implementing different tasks. तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं एंड कौन से यूटिलिटीज हैं जो हम अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं. सो इन विंडोज टूल्स आर फर्स्ट टूल इज आर टास्क शेड्यूलर. सो इफ यू यूज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस यू कैन यूज दिस टू क्रिएट अ टास्क दैट ओपन द प्रोग्राम फॉर यू ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल यू चूज. सो अब होता क्या है कि आप सपोज करो कि आप एक कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रोज यूज करते हो एंड आप उसको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पे यूज करते हो और अब आप चाहते हो कि वो खुद अपने आप ही वो जैसे आप अपना कंप्यूटर ऑन करो वो ऑटोमेटिकली खुल जाए तो आप टास्क शेड्यूलर का यूज कर सकते हो एंड इसके थ्रू आप एक शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस टाइम पे इस दिन ये प्रोग्राम चाहिए अपने कंप्यूटर पे. तो अकॉर्डिंगली आप अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर खोलोगे एंड वो जो आपका प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में अपने आप ही वो खुला होगा. सो दिस इज व्हाट टास्क शेड्यूलर डज. ऑल्सो इसको यूज करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन करना होगा अपने कंप्यूटर में तभी आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज आर इवेंट व्यूअर. सो इट मेंटेन्स लॉग अबाउट प्रोग्राम सिक्योरिटी एंड सिस्टम इन events on the computer. It gathers information about hardware and software problems and monitor Windows security events. तो अब होता क्या है कि जब आपके कंप्यूटर में कोई भी काम चल रहा होता है तो इन द बैकग्राउंड सब कुछ जो है वो नोट डाउन हो रहा होता है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. इन सब के बैकग्राउंड में लॉग्स क्रिएट होते हैं एंड वो जो लॉग्स हैं वो इस इवेंट व्यूअर में सेव हो जाते हैं. सो यूजिंग दिस टूल इवेंट व्यूअर के टूल से आप वो सारे एरर्स या कोई प्रॉब्लम या फिर कोई भी वार्निंग जो आपके कंप्यूटर में हो रही है वो आप इस इवेंट व्यूअर के थ्रू आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज आर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी. अब ये जो हमारा टूल है ये बेसिकली सिक्योरिटी सेटिंग्स से इसका लिंक है. इसके अंडर हमारी पासवर्ड पॉलिसीज आती हैं, अकाउंट लॉकअप पॉलिसीज आती हैं, ऑडिट पॉलिसीज आती हैं, आईपी सिक्योरिटी पॉलिसीज आती हैं. मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कभी अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई पासवर्ड सेट किया हो तो आप पासवर्ड अपने हिसाब से कुछ भी सेट नहीं कर सकते. इसके पीछे भी कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 letters का होना चाहिए एंड उसमें कोई नंबर भी होना चाहिए वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे सिक्योरिटी जो है वो लगाई जाती है किसी भी सिस्टम पे. तो वो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो इस लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में काउंट होता है. सो यही इसका रोल होता है. नेक्स्ट इज आर प्रिंट मैनेजमेंट. सो इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट फॉर शेयरिंग प्रिंटर्स ऑन अ नेटवर्क एंड मैनेजिंग प्रिंट सर्वर एंड नेटवर्क प्रिंटर टास्क. तो अब ये जो प्रिंट मैनेजमेंट टूल है ये यूजुअली हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत यूज होता है. जहाँ पे जो आपकी कंप्यूटर लैब होती है उधर जो एक टीचर का कंप्यूटर होता है उसको एज अ सर्वर माना जाता है एंड वो जो कंप्यूटर है वो बाकी जो स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स है उससे वो लिंक में होता है एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूजुअली प्रिंटआउट्स निकलवाने होते हैं. तो जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे उनको जब भी कोई प्रिंटआउट निकालना होता है तो वो अपनी टीचर के पास जाते हैं सर्वर वाले कंप्यूटर के पास जाते हैं यहाँ इस कंप्यूटर से वो इस कंप्यूटर पे अपना प्रिंटआउट सेंड कर देते हैं एंड इसी कंप्यूटर से जो उनका प्रिंट है वो निकल जाता है एंड दिस ऑल हैपन्स यूजिंग दिस टूल जो प्रिंट मैनेजमेंट का टूल है. सो आर लास्ट विंडोज टूल इज योर कॉम्पोनेंट सर्विसेज. सो इट प्रोवाइड्स अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर डेवलपिंग डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस. अब मैं पहले तो बताती हूँ ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग्स क्या होती है. ये बेसिकली
इंडिविजुअल ऑपरेशंस होते हैं जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं. अब जो हमारी ये कंपोनेंट सर्विसेज होती हैं, ये इन इंडिविजुअल ऑपरेशंस या फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग्स को आगे और ब्रेक डाउन कर देती है इनटू कंपोनेंट्स, और इन मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके ये जो जॉब है फिर ये परफॉर्म होती है. सो जब वो जॉब परफॉर्म हो जाती है हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट से, देन वो सर्वर को या फिर जो आपका कंप्यूटर है उसको नोटिफाई करता है कि जो जॉब है वो फेल थी या फिर सक्सेस थी. तो या तो जॉब फेल हो सकती है या तो सक्सेस हो सकती है कंपोनेंट सर्विसेज के केस में. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई जॉब पार्शली इनकम्प्लीट हो. मतलब कंप्लीट तो होगा ही आपका टास्क, एंड में या तो फेल हो सकता है या फिर सक्सेस हो सकता है. ये ऐसा नहीं होगा कि आधा काम किया और फिर बाकी का काम ही नहीं किया. सो दिस इज व्हाट कंपोनेंट सर्विसेज टूल डज. सो नेक्स्ट इज आर विंडोज यूटिलिटीज. सो द फर्स्ट वन इज आर नरेटर. सो इट इज अ टेक्स्ट टू स्पीच यूटिलिटी. मतलब ये टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट कर देता है. इट ऑपरेट्स बाय रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो ये नरेट करता है, मतलब ये बोलता है, वो रीड करता है उसको, और जो भी सामने बंदा बैठा है, इवन इफ ही शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, ये इन्हीं लोगों के लिए होता है जो देख नहीं पाते, तो वो ताकि आराम से समझ सके कि स्क्रीन पे लिखा क्या है, वो ताकि कंप्यूटर यूज करे, इसीलिए ही ये जो यूटिलिटी है ये बनाई गई है. नेक्स्ट वन इज आर मैग्नीफायर. जो ये मैग्नीफायर है ये क्या करता है, ये हमारे स्क्रीन के कॉर्नर पे एक छोटा सा एक मतलब आप कह सकते हैं एक स्क्रीन पे एक छोटा सा मैग्नीफायर बन जाता है, और जहां जहां आप अपना माउस लेके जाते हो वो स्क्रीन जो है वो आपको 9 times देन ओरिजिनल आपको दिखाई देती है. पहले 9 times होता था जो हमारा विंडोज विस्टा है उसमें, और उससे पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें 9 times तक ये जूम कर लेता था, वेयरएज अब ये 16 times तक जूम कर सकता है एंड आपको बहुत क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा. ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी आईसाइट की प्रॉब्लम है, उनकी वीक है, उन्हें छोटे टेक्स्ट दिखाई नहीं देते, सो फॉर देम दे कैन यूज मैग्नीफायर. सो आर नेक्स्ट यूटिलिटी इज वर्चुअल कीबोर्ड. सो अब ऐसा कई बार होता है कि जब हमारे पास हमारा जो हमारा कीबोर्ड है वो खराब हो गया या फिर वो चल नहीं रहा या इट इज हैविंग सम इशू इन कनेक्शन, तो इन दैट केस हमारे पास एक यूटिलिटी होती है विच इज आर वर्चुअल कीबोर्ड, जिसके थ्रू हमारे जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसी पे एक कीबोर्ड बना हुआ आ जाएगा, एंड यूजिंग योर माउस आप कोई भी की उस पर प्रेस कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट. सो दिस इज द टास्क ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी. तो अब ये क्या है, कई बार हमारे जो हमारा कंप्यूटर है उसमें लोड ज़्यादा हो जाता है एंड वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें थोड़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई है. तो यूजिंग दिस डिस्क क्लीनअप हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. तो ये क्या करता है, ये जो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देता है, जो डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स है उसकी जो लिस्ट होती है कोई देखता थोड़ी है उसको, हम तो उसको भी डिलीट कर देता है. रिसाइकल बिन से भी जितना भी सामान है उसको डिलीट कर देता है, और जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं कुछ जो आप यूज़ नहीं करते अपने कंप्यूटर में उनको भी डिलीट कर देता है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसमें स्पेस बन जाए. सो नेक्स्ट वन इज आर सिस्टम रीस्टोर. तो कई बार क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है आप उसको यूज करते करते आपको ऐसा डाउट होता है कि जैसे वो पहले काम करता था वो अब नहीं कर रहा, मे बी उसमें स्टोरेज की दिक्कत है या फिर कोई उसमें वायरस आ गया या कुछ भी चीज़ हो सकती है एंड आपका कंप्यूटर पहले की तरह वर्क नहीं कर रहा, या मैं कह सकती हूँ कि कभी आपको अपने कंप्यूटर को सेल आउट करना है या किसी और को देना है एंड आप चाहते हो कि आप अपना सारा डेटा इसमें से टोटली इरेज कर दो, तो फॉर दैट केस यू यूज सिस्टम रीस्टोर. ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जैसे वो मतलब बिल्कुल फैक्ट्री से आया हो, सब कुछ उसमें नया होता है, जैसे जो भी उसकी सेटिंग्स होती है सब कुछ ओरिजिनल सेटिंग्स में चला जाता है वो, जैसे वो पहले था जब वो आया था आपके पास नया नया. सो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ द सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी. इसमें
वही चीज है कि आपका जितना भी डेटा है सब कुछ इरेज हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके कंप्यूटर पे. सो नेक्स्ट वन इज आर बूटिंग प्रोसेस. सो लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. तो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तब बेसिकली बूटिंग का प्रोसेस चालू होता है. वो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम पे ट्रांसफ़र करता है. तभी आप जैसे ही अपना विंडोज़ ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में वो कुछ थोड़ा सा प्रोसेस करता है, वो एक्चुअली में बूटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ताकि वो हार्ड डिस्क से रैम पे लोड हो जाए. नाउ जो आपका बूटिंग है इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग. तो ये यूजुअली बहुत कॉमन है, आपसे वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है. सो मैं बता देती हूँ, जो कोल्ड बूटिंग है वो पावर ऑफ कंडीशन में होता है. जब आप अपने कंप्यूटर को एक पावर ऑफ कंडीशन से ऑन करो वो होता है कोल्ड बूटिंग. नॉर्मल आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया उसी को कोल्ड बूटिंग कहते हैं. बट अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है एंड एकदम से आप रीस्टार्ट बटन दबा दो तो इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज वार्म बूटिंग. सो दिस वॉज ऑल फॉर विंडोज़ यूटिलिटीज़. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.